Dear student, as we have discussed different dimensions of poverty, we have discussed different indicators of poverty and income inequality, we have discussed capability approach, empowerment approach, accountability approach ko humne discuss kiya, ke ye different aspects hain jisse society ko empower karke unki poverty ko reduce kiya ja sakta hai, poverty elevation mein role play kiya ja sakta hai. जिस वक्त ये सारे एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनकम सिक्योरिटी फॉर पावर्टी एलिवेशन स्ट्रेटेजी, कि जो पुअर है इसका सबसे बड़ा थ्रेट इनकम सिक्योरिटी होता है. ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल उस वक्त होता है जिस वक्त उसके पास थ्रेट ज़्यादा होता है कि कहीं इकोनॉमिकली वो वल्नरेबल ना हो जाए, उसके लिए उसको इनकम में सिक्योरिटी दी जाती है. वो बेसिकली जिस वक्त कोई भी काम करता है तो सबसे पहले वो उसके माइंड में एक चीज़ हर वक्त वो चल रही होती है कि इनकम कहीं उसकी इनसिक्योर ना हो जाए. और जब इनकम इनसिक्योर होती है तो वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है, रिस्क लेवल हाई हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है. तो उसके लिए सबसे जो पहला स्टेप होता है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी हाउस होल्ड में सबसे पहला स्टेप होता है कि उसकी इनकम को सिक्योर किया जाए. अब उसकी इनकम को सिक्योर करने के लिए जो रिस्क लेवल होता है, जो उसकी फैमिली में शॉक्स होते हैं, जो उसकी सोसाइटी में शॉक्स होते हैं, उनको मिनिमाइज़ किया जाता है. उन शॉक्स में, लाइक अगर पाकिस्तान में हम देखें तो पाकिस्तान में जब डिज़ास्टर, कोई भी डिज़ास्टर आता है तो उससे सबसे पहले लोगों की इनकम इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती हैं. इनकम इनसिक्योरिटी कैसे बढ़ती हैं? क्योंकि उनके एसेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. जिस वक्त अर्थक्वेक पाकिस्तान में आया तो अर्थक्वेक से बहुत सारे लोगों के बिजनेस डैमेज हो गए, जिससे उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और इनकम इनसिक्योरिटीज़ बढ़ गई. जिस वक्त कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उससे उसकी भी प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, जिससे अगेन इनकम शॉक में आ जाते हैं. फ्लड्स आते हैं पाकिस्तान में. फ्लड्स आने से जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं उनकी, और एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होती है जिससे उनकी अगेन इनकम कम होती है और वो सारी ज़िंदगी वल्नरेबल रहती हैं. इसलिए डेवलपिंग कंट्री में इनकम इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है, जिसकी वजह से पुअर पुअर होता जाता है और वो एक विशियस पावर्टी ट्रैप में स्टक हो जाता है और वो सारी ज़िंदगी उस विशियस सर्कल को ब्रेक नहीं कर पाता. अब जिस वक्त वो विशियस सर्कल को ब्रेक नहीं कर पाता तो उसके लिए उस पर जो वर्क का प्रेशर है वो बढ़ जाता है. अब किस तरह उसकी इनकम को सिक्योर किया जाए, उसके लिए सबसे पहला स्टेप कि उसकी लाइक मेजर पोर्शन जो पुअर का है, दे आर इन रूरल एरियाज एंड दे आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उनमें लाइफ स्टॉक में क्रॉप इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को अगर इंश्योर कर दिया जाए. क्रॉप इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है कि अगर सीजनल वेरिएशन आई, फसल डिस्टर्ब हो गई, तो उसकी इनकम सिक्योर रहेगी. अगर फ्लड्स आए, फसल डिस्टर्ब हो गई, लेकिन उसकी इनकम सिक्योर रहेगी. इसलिए लाइफ स्टॉक को इंश्योर करना, क्रॉप इंश्योरेंस को इंश्योर करना, अगर ये चीज़ें हो जाए तो रूरल एरियाज में जितनी पावर्टी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि उन लोगों के लिए सबसे बड़ा रिस्क उनकी क्रॉप का होता है और उनके लाइफ स्टॉक का होता है. देन जो ओवरऑल रूरल एंड अर्बन एरियाज में पुअर होते हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो हेल्थ का लॉस होता है. तो हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अगर लॉन्च कर दी जाए तो उससे भी उनकी इनकम में स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं, जितनी भी इनकम होती है, जिस वक्त हेल्थ डैमेज होती है तो वो सारे का सारा आप उस पर कंज्यूम कर देते हैं और उससे आप हेल्थ रिकवरी हो भी सकती है और हेल्थ रिकवरी नहीं भी हो सकती. तो स्टेट को चाहिए कि लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस को इंश्योर करे, जिससे उसकी इनकम सिक्योरिटी काफ़ी हद तक वो बेहतर हो सकती है. इस तरह लाइफ इंश्योरेंस पैकेजेस जो पुअर लोग हैं उनको दे दिए जाएं, जिससे उनकी इनकम काफ़ी हद तक वो कम हो सकती है. इसके अलावा म्यूचुअल इनकम फंड्स कुछ लॉन्च हो सकते हैं, कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी लॉन्च कर दे जिससे लोगों की इनकम में सिक्योरिटी मिले, क्योंकि जब इनकम में सिक्योरिटी होगी तो ऑटोमेटिकली उनकी ओवरऑल वेलबींग बेहतर होगी और वेलबींग नेक्स्ट स्टेप पे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल करेंगी. और जिन कंट्रीज़ में पावर्टी का नंबर ज़्यादा होता है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ इनस्टेबल होती है,
और जिन कंट्रीज़ में पावर्टी का नंबर कम होता है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल होती है। इसलिए जब तक हम पावर्टी को एलिवेट नहीं करते उस वक़्त तक हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल नहीं कर सकते।